दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एक नंबर, ये 10th का क्वेश्चन है और ये मॉडल सेट का क्वेश्चन। इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, आप इसको आसानी से समझिए और समझाने का भी आपको मैं आसानी तरीका से प्रयास करूँगा। देखिए दिया गया साइन 20 प्लस थीटा बराबर दिया गया है कॉस 30 हो तो थीटा का मान क्या। दोस्तों इसको देखिए इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ नहीं आए कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए साइन, देखिए 20 प्लस थीटा, ये एक फॉर्मूला पे बनेगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, 90 माइनस कितना लिख सकते हैं इसको लिखेंगे तो देखिए, अब यहाँ देखिए साइन, दोस्तों ये देखिए साइन 20 प्लस थीटा बराबर क्या दिया गया, इस तरह से कॉस 90 माइनस 60 लिखेंगे, देखिए ये पुर जाएगा। तो एक देखिए दोस्तों फार्मूला आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए फिर आप समझ जाएंगे। ये देखिए फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। और दोस्तों देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या सेक थीटा, देखिए इस फॉर्मूला आप यहाँ यूज करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, दोस्तों थीटा की जगह पर है 60, यहाँ 60 लिखाएगा इस तरह से। चलिए अब आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, देखिए इस तरह से फॉर्मूला था आपका। देखिए दोस्तों इस तरह से इसको सेट करना, ये क्या हो जाएगा इस तरह से था कॉस 90 माइनस थीटा इस तरह से था, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा। दोस्तों यहाँ देखिए थीटा की जगह क्या है 60 है, यही यहाँ उठ के आएगा। उसी तरह से इसको भी बना लेंगे, कैसे बनाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा साइन 20 प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा दोस्तों साइन, देखिए यहाँ थीटा की जगह पर 60, 90 माइनस थीटा क्या होता है तो दोस्तों साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला बैठ गया इस फॉर्मूला पे, थीटा की जगह पर यहाँ 60 है तो 60 आ जाएगा। अब यहाँ तुलना करेंगे, कटेगा नहीं तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों कंपेयर में ख़त्म हो जाएगा तो बच जाएगा, यानी इस तरह से कह सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 60, इधर देखिए बराबर इस साइड प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, कितना हो जाएगा दोस्तों 40 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, यही कहता था निकालने का, इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या चीज बी नंबर ऑप्शन। एक बार और समझ लीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इसको देखिए ये लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 60 तो 30 देखिए घटाएगा 30 पुट जाएगा, तो फार्मूला क्या होता है साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा थीटा की जगह पर 60, तो 60 लिख दिया इस तरह से। फिर कंपेयर किया तो ये दोनों कट गया। अब देखिए बचा ये, इधर से 60 डिग्री बचा, फिर देखिए इसका मान निकालना है, इधर दी 20 प्लस में, उससे जाएगा माइनस में, घटेंगे तो 40 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों दो नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या है दोस्तों दिया गया है एक्स कॉस थीटा बराबर 1। अब देखिए टेन थीटा बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कहा था निकालने के लिए। थोड़ा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको दिमाग से बनाते हैं, एक्स को इधर ही रख लेते हैं। देखिए इसके और इसके बीच क्या है, इसके इसके बीच मल्टीप्लाई है, तो इस कॉस को उधर भेज देते हैं, तो इधर देखिए गुना में है दोस्तों, तो उधर हो जाएगा क्या चीज़ भाग में, तो एक बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ से एक्स का मान निकालिया, ध्यान दीजिएगा इस दोनों के बीच में क्या है गुना, इधर इसको भेज दिया इधर हो गया भाग में हो गया। अब देखिए एक्स का मान निकाल लिया यहाँ से, अब देखिए वाई का मान दिया गया आपको, वाई का मान कितना दिल है तो टेन थीटा दिल है। ध्यान दीजिए अब क्या कहता है एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स का मान ये हो गया, एक्स स्क्वायर करेंगे तो यानी पूरा का स्क्वायर करेंगे, एक बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों एक बट्टा कॉस स्क्वायर, ये देखिए माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान कितना है दोस्तों, वाई का मान है टेन, तो टेन वाई का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर हो जाएगा तो यानी पूरा का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा फार्मूला का कमाल है यहाँ दोस्तों, इसको क्या हो जाएगा एक बट्टा ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस, इसको दोस्तों फार्मूला होता है
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये हो गया दोस्तों, अब ये हो गया एक बट्टा कॉस स्क्वायर, ये देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, दोनों के एलसीएम लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको एक बार में मिलेगा तो एक से गुना कीजिएगा, माइनस एक बार में ही तो साइन स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ एक फार्मूला आ रहा है, फार्मूला क्या आ रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो यहाँ एक फार्मूला क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर। देखिए यहाँ फार्मूला आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, काट के क्या हो गया एक, इसका आंसर एक हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका फार्मूला भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ आपको मैं बताया था टेन थीटा वाला साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, टेन थीटा वाला साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। देखिए यहाँ यहाँ देखिए टेन की जगह पे लिखा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इसको स्क्वायर किया, फिर देखिए स्क्वायर था तो स्क्वायर किया, इस तरह से आपको ये आ गया। अब देखिए अब ये देखते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। देखिए अब दोस्तों देखिए देखिए इसको कर लेते हैं, इसको इसका अपना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन होता है। यहाँ से देखिए फाइंड आउट करते हैं क्या था दोस्तों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको देखिए इस साइड प्लस उस साइड भेज देंगे तो इधर कॉस स्क्वायर बच जाएगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर। दोस्तों इसका फार्मूला बराबर इतना होता है, देखिए इसका जगह पर इतना लिख दिया फिर कट के क्या हुआ एक हो गया, इस तरह से आंसर क्या होगा एक। और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दोनों हो जाएगा आंसर। दोस्तों ये देखिए तीन नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला पे है, देखिए सेक स्क्वायर तेईस माइनस टेन स्क्वायर तेईस थीटा देखिए सेम है प्लस टू बराबर का, तो सॉल्व करने कितना होगा तो देखिए यहाँ फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, फार्मूला होता है। और दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये फार्मूला होता है याद कर लीजिएगा। और दोस्तों देखिए ये फार्मूला होता है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वन होता है, ये फार्मूला होता है याद कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और देखिए इसी में टेन स्क्वायर थीटा कर देगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसको फार्मूला का यूज़ करके इतना का मान एक होता है, देखिए इतना का मान एक रखेंगे इतना के यहाँ से तक मान एक रखेंगे एक आप प्लस कितना है दो तो जोड़ेंगे कितने हो गए तीन, इसका आंसर तीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर चार देखिए, थोड़ा पेशेंस से देखिएगा इसको बनाने का और समझाने का आपको मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर चार, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर तीन हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कहता है। दोस्तों कैसे बनेगा, देखिए यहाँ ए स्क्वायर दिखता है, यहाँ भी बी स्क्वायर दिखता है, इसमें भी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी बी स्क्वायर कर देंगे तो आने का संभावना बनता है। तो देखिए इसको समीकरण एक मान लेते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। दोस्तों स्क्वायर करेंगे ना तो ध्यान दीजिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करेंगे। दोस्तों ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉल का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस पर इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ए स्क्वायर करेंगे तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, अब देखिए फॉर्मूला था बी स्क्वायर, बी इसको माने तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ध्यान दीजिए फॉर्मूला था टू ए का मान ये हो गया ए कॉस थीटा, देखिए यहाँ गुना ये मल्टीप्लाई चिन्ह है और ये क्या हो जाएगा बी, यहाँ देखिए दोस्तों बी साइन थीटा
बी साइन थीटा, इधर के स्क्वायर के चार चौके 16 हो गया। इसको देखिए अच्छा से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर देखिए टू। अब दोस्तों ये भी देखिए गुना, ये भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा सजा लेते हैं इंटू कोस थीटा बराबर 16। देखिए इसको समीकरण एक मान लिया, अब ध्यान दीजिए ये इसको तोड़ के ए प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ दिए, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे तोड़ेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए यहाँ दोस्तों, ये हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। अब देखिए स्क्वायर इसको भी करेंगे बराबर कितने हो जाए 3 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर की इधर भी स्क्वायर की, इसको भी तोड़ेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए फार्मूला आता है, देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसके जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा तो बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर या देखिए प्लस होता है माइनस टू, ए का मान देखिए ए साइन ए थीटा, अब देखिए बी कोस थीटा, अब बराबर 3 के स्क्वायर 3 क्या 9 हो गया। अब देखिए इसको उसी तरह सजा लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस टू ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये 9 हो गया दोस्तों। ये समीकरण 2 मान लिए, ये समीकरण 1 समीकरण 2। अब दोस्तों इस दोनों क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ देंगे, देखिए जोड़ देते हैं समीकरण, नोट करते हैं ये वाला ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ध्यान दिए रहिएगा ए बी इस समीकरण को उतार रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा, ये कितने हो गए 16। अब देखिए ये समीकरण है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ देखिए माइनस टू ए बी, यहाँ देखिए साइन थीटा सजा लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कुछ नहीं किए हैं कोस थीटा, ये हो कहते हो गया 9। जोड़ेंगे दोनों को तो देखिए ये कट जाएगा, ये देखिए ये सेम है प्लस इतना माइनस इतना कट जाएगा, देखिए ये नहीं कटेगा, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर इस तरह से, अब देखिए यहाँ बच गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब दोस्तों ये लिख दिए, ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए, ये दोनों नहीं कटा है तो लिख दिए। अब ये जो इधर जोड़ेंगे कितने 25 हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें भी ए इसमें भी ए कॉमन ले लिए, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए इसमें ए निकल गया, इसमें ये बचा इसमें ये बचा, अब यहाँ से बी स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ से देखिए ये बच जाएगा इधर, अब देखिए अब ये देखिए कोस स्क्वायर बच जाएगा बी निकल जाएगा तो 25। अब दोस्तों अभी ही फार्मूला लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, एक को ए से गुना करें कितने हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी को एक से गुना करें कितने हो जाएगा बी स्क्वायर, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ बी स्क्वायर था एक इसका मान हुआ पूरा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, इसको अभी क्या किए इसके जगह एक रखे और गुना किए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25। दोस्तों देखिए यही खाता निकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25। तो दोस्तों एक बार और समझाने का आपको मैं प्रयास करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए वैसे क्वेश्चन आप समझ गए हो, देखिए इसका आंसर 25 हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए इस समीकरण हो गया इसको क्या क्या स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, देखिए इसको स्क्वायर किया इसको माना ए इसको माना बी पूरा को, तो देखिए फार्मूला आता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए का मान इतना हो गया इंटू बी देखिए ये हो गया बी साइन थीटा, इधर के स्क्वायर करने चार चुके 16, इसको सजा लिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, इसको ए बी को एक जगह कर दिया, ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितने हो गया 16, समय को एक मान लिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ आ गया, इसको मान लिया, इसको भी स्क्वायर किया, दूसरा समय को इसको मान लिया तो इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर किया देखिए ये ए माइनस बी होल स्क्वायर पर आ गया, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सिर्फ माइनस यहाँ होता तो ए स्क्वायर की ए स्क्वायर तो ए के स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपको, तो देखिए इसको क्या किया ए स्क्वायर क्या हो गया, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी, ए बी इस तरह से बैठा दिया दोस्तों, ये हो गया तीन का स्क्वायर तीन के नौ। अब दोनों समीकरण को जोड़ दिया, जोड़ा तो दोस्तों ये दोनों कट गया, अब देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बच गया लिख दिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बच गया इसको भी लिख दिया, अब देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, देखिए ए स्क्वायर इसमें कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया दोस्तों, यहाँ क्या बच गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक, एक रख दिया, यहाँ देखिए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका भी मान एक होता है दोस्तों, बी स्क्वायर गुने एक, तो ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो ए स्क्वायर, इसी का मान खाता निकालने के लिए ये 25 हो गया, इस तरह से आपका आंसर 25 हो गया, ऑप्शन नंबर कितना हो गया तो सी हो गया दोस्तों, आप समझ गए होंगे और देखेंगे दूसरे वीडियो में।